अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार डिजिटल पर। आज सुबह जब मैं ऑफिस पहुँचा तो मेरी डेस्क ने मेरे ऊपर धावा बोल दिया। उन्होंने कहा इंडस मोटर यानी जो टोयोटा करोला कार बनाते हैं, उन्होंने प्लांट बंद कर दिया है, ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है, हमें ख़बर चाहिए। जिस ख़बर पे वो ये सारी जो चीज़ ट्रेंड करना चाहिए, डिटेल्स पढ़ी तो मुझे फ़ौरन समझ में आ गया कि ये डिस्कशन किसी और डायरेक्शन में चला गया है। क्योंकि आपको भी पता है, दो मेन राइवल्स पोलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग इकानमी को लेकर किसी भी मसले पर एक दूसरे पर जो है वो ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। और क्योंकि इन पॉलिटिशियंस के लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, तो जो लीड लाइन इनके लीडर्स लेते हैं वही ये लाइन ले लेते हैं उसमें, लेकिन हकायक दब जाते हैं, डिस्कशन दूसरी तरफ चला जाता है। तो इस वीडियो में आने से पहले आपके सामने मैंने सोचा कि वो हकायक लाए जाएँ कि जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि यार ये आखिर वाकई हुआ ऐसा या नहीं हुआ और क्यों हुआ है। तो ज़ाहिर है कौन सा बंदा इसके बारे में सबसे बेहतर बताएगा, यकीनन जो ये गाड़ी बना रहा है। तो मैंने कॉल की टोयोटा करोला बनाने वाले यानी इंडस मोटर कंपनी के सीईओ अली असगर जमाली साहब से। उनसे मैंने पूछा कि आपने प्लांट बंद कर दिया है। उन्होंने इत्तफाक़ किया कि नहीं, हेडलाइन में जो इंप्रेशन जा रहा था कि इंडस मोटर शट्स डाउन प्लांट, उससे लग रहा है कि पैकअप कर दिया, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ प्रोडक्शन के जो दिन हैं वो कम कर दिए हैं। ये इकोनॉमिक्स का बुनियादी उसूल है, अगर एक चीज़ की मार्केट में डिमांड नहीं है जो मैं बना रहा हूँ तो मैं क्यों बनाऊँगा, मेरे पास इंसेंटिव नहीं है। क्या ये पहली मरतबा हुआ है? बिल्कुल नहीं। जुलाई में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने अपनी, जुलाई से पहले वो 100% कैपेसिटी पे चल रहे थे, जुलाई में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने उसको तकरीबन 10 दिन प्रोडक्शन डेज माइनस कर दिए महीने में से। उसके बाद अगस्त में भी उन्होंने किया, शायद 12 दिन कर दिए थे। उसके बाद अभी सितंबर में उन्होंने 15 दिन के लिए बंद कर दी। अक्टूबर में भी ऐसा होगा, उन्होंने कहा अक्टूबर में भी चांसेस हैं, जो ज़ाहिर है डिमांड नहीं है, इकॉनमी स्लो डाउन हुई है, तो शायद 13 या 14 दिन अक्टूबर में भी बंद रहेगा। अच्छा जी, इसकी मैंने उनसे वजूहात पूछी कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जो रीज़न स्टोरी में थे, जो डॉन न्यूज़पेपर ने की थी, वही बात है। उन्होंने इत्तफाक़ किया यही चीज़ें कि मार्केट में डिमांड नहीं है, उसकी वजह यह है कि प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए। टोयोटा करोला एक्सल आई की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इसी साल के अंदर 5 लाख उसकी कीमत में इजाफा हो गया है। ये बहुत बड़ा जंप है, तो जिसकी हैसियत से बाहर आ गया वो नहीं खरीद सकता। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, एक तो प्राइस ऊपर जाने के लिए जो मेन वजह थी कि डॉलर महंगा हो गया, ठीक है, इस वजह से। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लग गई उसने भी प्राइस में कॉन्ट्रीब्यूट किया। लेकिन तीसरा और अहम फैक्टर जो जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, उस डिस्कशन मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो सीईओ ने मुझे बताया, एक फेयर फैक्टर है कि जो FBR की जो टैक्स ड्राइव है, जाहिर है कि अगर 25 लाख की गाड़ी कोई ख़रीदेगा तो FBR के रडार पे वो आएगा, और अगर वो नॉन फाइलर होगा तो उसको नोटिस मिल सकते हैं। लोग डरे हुए हैं, उन्होंने भी अपने आप को पीछे कर लिया है। तो ये जो डिमांड में स्लो डाउन आया उसका एक बड़ी वजह FBR की टैक्स ड्राइव भी है। अच्छा जी, अब क्या ये बहुत बुरा है? मैंने पूछा कि आपने लोगों को भी निकाला है, क्योंकि 50% कैपेसिटी पे अब चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 50% एम्प्लॉयज़, उन्होंने खुद कहा, फारिग हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा नौबत तो ऐसी आ चुकी है, लेकिन वो समझते हैं कि ये टेम्प्ररी शॉक है, वो ये अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और थोड़े अरसे में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो उन्होंने किसी को निकाला नहीं है। पास में कुछ ऑटो सेक्टर में ले ऑफ्स हुए, लेकिन इंडस के सीईओ का कहना है कि उन्होंने नहीं निकाला किसी को, ना वो फ़िलहाल इरादा रखते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, उसका जो जवाब था वो मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। लेकिन पहले कुछ मैं आपको हकाइक आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि सीईओ से पहले जो इंडस के सीईओ, उनके ओपिनियन को जानने से पहले आप भी कुछ चीज़ों को समझ लें। अच्छा जी, पहले बात करते हैं डॉलर ऊपर क्यों गया। अगर आप लोगों को याद हो तो इसहाक डार साहब ने बड़े प्राउडली कहा था कि डॉलर हमने रोक के रखा हुआ है। तकरीबन 2 साल के अरसे तक उन्होंने डॉलर को 104-105 रुपये की रेंज में रोक कर रखा। ये उस वक्त की उन्होंने किया कि जब दुनिया की बाकी करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट गिर रही थी, तुर्किश लिरा हो, मैक्सिकन पेसो हो, इंडियन रुपी हो, सब गिर रहे थे। हम टारजन बने हुए थे कि भाई हमारा रुपी बड़ा स्ट्रांग है, जो कि गलत पॉलिसी थी। वो आपका रुपया आहिस्ता आहिस्ता गिरता तो इतना बड़ा शॉक नहीं आता, लेकिन आपने 2 साल उसको रोक के रखा। मिफ्ता इस्माइल साहब जब ने, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज लिया, उन्होंने आके इसकी इसलाह की, इस पॉलिसी को दुरुस्त किया, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डॉलर को छूट देना शुरू की। फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो असद उमर ने इस पॉलिसी को जारी रखा, जो कि सेंसेबल चीज़ थी। ड्यूटीज़ क्यों बढ़ाई गई? ड्यूटीज़ बढ़ाने का मकसद ये था कि जो लग्जरी इंपोर्ट हैं उनको डिस्करेज किया जाए। ये बहुत सारे मेजर्स थे, उनमें से एक जो पॉलिसी ये भी थी कि अगर इंपोर्ट्स महंगी कर दी जाएंगी तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी हमारा जो ट्रेड का डेफिसिट है, वो शायद कम होने में मदद हो। क्योंकि हम अगर फ़र्ज़ कर लें, जो इंपोर्ट्स करते हैं उस पर हम $2 खर्च करते हैं, तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे हम एक कमाते हैं। तो आप खुद सोच लें, अगर मुल्क के अंदर $1 आ रहा है और बाहर $2 जा रहे हैं, तो आपकी इकॉनमी एक टाइम पर आके क्रैश होगी। इस पर बहुत लिखा गया है, सबको पता है। तो वजह ये थी। और ये करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा क्यों? ठीक है, तहरीक इंसाफ ने ड्यूटीज़ बढ़ाई, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए बढ़ाई। ये डेफिसिट आया किसकी वजह से?
डार साहब ने, उनके टाइम पे कुछ 16-17 बिलियन डॉलर के स्टेट बैंक के रिजर्व थे। जब 2 साल तक आप रुपी को रोक के रखेंगे तो उसके लिए उन्होंने अपने रिजर्व्स की धड़ाधड़ जो है ना बारिश कर दी। मार्केट में जाके जो है ना उन्होंने डॉलर्स डंप किए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपये को उन्होंने गिरने से रोक कर रखा। इसकी टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगा, इस पर मैं बहुत वीडियोज़ कर चुका हूँ, पास में आप समा मनी की टाइम लाइन पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल, तो उन्होंने डॉलर के रिजर्व जब खाली कर दिए, स्टेट बैंक कंगाल हो गया, तो जाहिर है अब करंट अकाउंट डेफिसिट जो ट्रेड का लॉस है उसको फिल करने के लिए डॉलर नहीं बचे, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इनको ये चीज़ें करनी थी, इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए ड्यूटीज़ बढ़ानी थी। अब तीसरी चीज़ पर आ जाते हैं, टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म ना करना ये किसकी गलती है? अगर पिछली हुकूमत ने कर दिया होता, मिसाल के तौर पर जब नून लीग की हुकूमत आई, इन्होंने थोड़े बहुत नंबर ऑफ़ फाइलर्स बढ़ाए, 1.2 मिलियन ले गए और आखिर में 1.5 मिलियन से भी ऊपर ले गए, लेकिन अब इस हुकूमत के 1 साल में वो 2 मिलियन से भी क्रॉस करके 2.5 मिलियन तक, यानी 25 लाख तक चले गए 18 से। तो ये रिफॉर्म ज़रूरी था और ये पेनफुल रिफॉर्म है, ये आपको करना है, और ज़ाहिर है कुछ IMF की शराइत थी उसमें भी था, लेकिन ये नौबत किस लिए आई है? क्या अगर पिछले दौरे हुकूमत में टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म कर दिया जाता तो क्या ये करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, ये सब कुछ, यानी जिस मुश्किल वक्त से आज आपकी इकोनॉमी गुजर रही है, आपके जो ब्रेक लगा दिया स्टेट बैंक ने इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और सारे जो प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ इंडस मोटर बल्कि होंडा कार्स और सुजुकी मोटर्स सब की जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो गई है, वो लोग भी सिंगल शिफ्ट के ऊपर आ गए, वो भी गाड़ियाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि डिमांड नहीं है। तो ये सारी तकलीफ से जिससे आप गुजर रहे हैं, ये सारी 2017 के फरवरी में, इससे पहले मैं जिस बिज़नेस मैगज़ीन में काम करता था, प्रॉफिट नामी, हमने उसमें ये चीज़ प्रिडिक्ट कर दी थी, इकोनॉमिस्ट ने ये बात गवर्नमेंट को बता दी थी, वॉर्न कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2017 की, उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे और इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त ये बता दिया गया था। ठीक है, उस वक्त स्टॉक मार्केट 50,000 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड कर रही थी, अभी ये 32 पे चल रही है। उस वक्त डॉलर 104 रुपये का था, अभी ये 164 पे जाके और अब 156 पर आ गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग, फोर्ब्स, बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस कह रही थी कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो गया, एशियन टाइगर बन रहा है, ये सारे फ्लैशी नंबर्स इसहाक डार साहब सेल कर रहे थे। लेकिन जो पाकिस्तान में बैठे हुए इकोनॉमिस्ट थे, जो बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं और इन फ्लैशी हेडलाइंस के पीछे की जो अदादोशुमार उनको देखते हैं, उन्होंने बता दिया था कि आपको IMF के पास जाना पड़ेगा 2019 के 18 के आखिर में, 2019 के शुरू में, उन्होंने ये बता दिया था प्रॉफिट मैगज़ीन के अंदर। बाकायदा हमने ये स्टोरी की थी जिसमें लिखा था पाकिस्तान नेक्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, इसहाक डार साहब की बड़ी बड़ी तस्वीर छापी थी, प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये आने वाला है। दोनों बातें की गई थी कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आएगा और आपकी जो IMF के पास आपको फिर जाना पड़ेगा उधार मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि असलाहत कोई नहीं की गई थी, ना तो जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ स्पेशली पावर सेक्टर में लॉस करती हैं अरबों रुपए का, उनको रिफॉर्म नहीं किया गया था, प्राइवेटाइजेशन नहीं की गई थी, टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया गया था, 180 अरब रुपए का जो एक्सपोर्ट पैकेज दिया गया था एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव नहीं हुई। अगर एक्सपोर्ट इंप्रूव नहीं हुई तो जाहिर है करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस नहीं होना था। तो ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर दी गई थी। तो क्या सारा कसूर नून लीग का है? ये कहना भी गलत होगा। ठीक है, अगर उनकी पॉलिसीज़ में कुछ गड़बड़ थी तो 2017 फरवरी में अगर बता दिया गया था तो तहरीक इंसाफ के पास तो 1-1.5 साल का ये टाइम था होमवर्क करने के लिए, उन्होंने क्यों नहीं ये होमवर्क किया? उनको भी पता था कि ये सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं इनसे आगे इकॉनमी में प्रॉब्लम्स आएंगी, इनका होमवर्क होना चाहिए था कि इसको कैसे निपटेंगे बगैर इकॉनमी को शॉक दिए। उसके ऊपर जाहिर है कहीं उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि जमाली साहब से जब मैंने बात की, जो CEO हैं इंडस मोटर कंपनी के, कि आपके ख्याल में कौन कसूरवार है, उन्होंने कहा कि देखें पहले वाली जो हुकूमत थी उनकी पॉलिसीज़ अपनी जगह थी, ये जो हुकूमत है ये जो कर रही है ये भी सब कुछ सही कर रही है, यानी ये रिफॉर्म्स करने चाहिए थे, बिल्कुल कर रहे हैं और नेशनल इंटरेस्ट में, इसलिए हम इनके साथ हैं, और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सा जवाब था। लेकिन जब उनको ज़्यादा मैंने पुश किया तो उन्होंने आखिर बोल ही दिया कि भाई ठीक है, लेकिन ये जो सब कुछ एक साथ आपने कर दिया, अगर थोड़ा थोड़ा करते तो इंडस्ट्री को शॉक कम मिलता, यानी आपने इंटरेस्ट रेट भी एक मतलब डबल कर दिए 6% से ले जाके 12-13% पर, आपने डॉलर को भी एक साथ छूट दे दी 124 से उठा के 164 पर ले गए, आपने ड्यूटीज भी एकदम थोड़ा थोड़ा करके करते। तो स्टेट बैंक को अगर ऑटोनॉमी दी जाए तो एक पॉलिसी ये होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाते हैं ताकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स दोनों इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि आपने एकदम से छूट कर दिया। अब डॉलर अगर 34 रुपये बढ़ेगा तो प्राइसेस ज़ाहिर ऊपर जाएंगी, क्योंकि 50 से 70% पार्ट्स ऑटोमोबाइल्स के इंपोर्ट होते हैं जिनकी पेमेंट डॉलर में होती है। अच्छा, अब आगे क्या होने वाला है? स्टेट बैंक की जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि अब आगे चीज़ें बेहतर होने शुरू हो जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी हो। तो जो CEO है इंडस मोटर के, वो कहते हैं कि 1 साल में चीज़ें बेहतर होंगी और शायद ये दोबारा से डिमांड बढ़ेगी और गाड़ियों की सेल इंप्रूव हो जाएगी।
ये वो हकायक थे जो हम आपके सामने लाना चाहते थे, जो इस पॉलिटिकल डिस्कशन में जो ट्विटर पे बहस होती है उसमें कहीं दब जाते हैं। उम्मीद है इनकी रोशनी में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसकी गलती है और इसके पीछे इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।